नाजरीन, ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी,
रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान
शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा। मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी। मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा। मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी। मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा। मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी। मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा। मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी। मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला
उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुखसती के वक्त, सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुखसती के वक्त, सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुखसती के वक्त, सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुखसती के वक्त, सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुखसती के वक्त, सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान
और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत
इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी,
रुक्सती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुक्सती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुक्सती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुक्सती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा, मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी रुक्सती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पार रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी, मगर सनान
शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाज़रीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा। मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी। मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा। मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी। मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा। मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी। मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सूरत की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब सनान और शिजरत की शादी होगी तो सनान और सनान की बहन सुमैया चाहेगी कि सनान का सरवाला उसी का बेटा जैन बने, जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत सनान का भाई करेगा। मगर सनान अपने भाई की एक नहीं सुनेगा। और जब सनान और शिजरत की शादी की तकरीब हो चुकी होगी, रुखसती के वक्त सबा जैन को देखने के बाद बहुत ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसने हमेशा जैन को अपने बेटे की तरह पाला था। तो जब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी तो सनान की फैमिली वाले उसी के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि जैन शिजरत और सनान का बेटा है। तो नाजरीन, आप देखेंगे सबा की वजह से सनान के तमाम रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाएगी कि सनान और शिजरत का बेटा जैन है जो सुमैया पाल रही है। ये बात पता चलने के बाद शिजरत बहुत ज्यादा बेबस होगी कि वो अब कैसे सनान की फैमिली का सामना करेगी। मगर सनान शिजरत का हर मौका पर साथ देगा। तो नाजरीन, क्या सनान और शिजरत इस दाग को लेकर इस तरह खुश रह पाएंगे? क्या सनान का भाई भी अब सनान के बेटे को कबूल कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।